खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट की नहीं जाती, करवाई जाती है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि आज के जमाने में भी शाहिदा जैसी औरतें टोने टोटके करवाती हैं। तो मेरी नकल करेगी? जो आपके लिए सही हो सकता है वो मेरे लिए सही नहीं है। वरना हड़ताल करेंगे। हम हड़ताल नहीं करेंगे, पहले नरेंद्र जी से बात करेंगे। सपना देख रहे थे? एक तार सोने का, एक तार सपने का, पता नहीं कब क्या बुनता रहता हूं। तुम कौन हो? वही जिसे एक्सीडेंट वाले दिन कार में और उस दिन बेकरी में देखा। वो तुम थी? नहीं, वो तुम नहीं हो सकती। क्यों? कोर्स की किताब में ये लाइन नहीं पढ़ी कि things that cannot be and that are, जो नहीं हो सकता वो हो जाता है। पर तुम, तुम्हारी शादी है? देख कर बता क्या लगता है। इसी उलझन में तो उलझ कर रह गया हूं। कभी लगता है तुम वही हो, फिर लगता नहीं है वो तुम नहीं हो। इसी गुत्थी को सुलझा रहा हूं मैं आज तक। ये मामला समझने का है ना समझाने का, जिंदगी ख्वाब दीवाने का। दीवाना तो मैं बन गया हूं। पहले एक रूप देखा, फिर दूसरा। जब दोनों को सामने रखता हूं तो दो भी दिखाई देते हैं और एक भी। तुम क्या हो? यही मैं पूछती हूं। जबकि तुम भी नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ऐ खुदा क्या है? ये परी चेहरा लोग कैसे, अब क्या चीज है, हवा क्या है? मेरा मजाक उड़ा रही है? मौका कहाँ मिला है मजाक उड़ाने का। दिल बहला रही हूँ इसलिए शेर उलट पुलट कर दिया। कभी कार में, कभी पैदल, कभी एक रूप कभी दूसरा, ये क्या है? जवाब तू शेर है। मेरा किस्सा इतना मुख्तसर, जो बना दिया बन गई। यानी तुम वही हो?
तुम्हारा नाम क्या है? अब तक कहां थी? अब कहां हो? हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। तैयारियां। अरे तुम्हारे अब्बू ने तो बुखार चला दिया है, ये कहकर कि अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आई तो अपने साथ नहीं रखेंगे। ये किताबें पढ़ पढ़ कर तो मेरा दिमाग सूज गया है। ओहो, तब भी तुम्हें कोई कामों में आने लगी है? टू गिव यू मसाज एंड रिलैक्सेशन। मसाज एंड रिलैक्सेशन? कौन? वही जिसके तलवों का ख्याल रखकर आपने चप्पल गढ़वाई। अच्छी लड़की है, किए को नहीं भूलती। जो आपने किया वो कर रही है। क्या कह रही है? I'm paying a compliment to her. ख्वाबों में आती है ना। तुमसे किसने कहा? कुछ गलत कहा। अच्छा, उस बदमाश ने कहा है। इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने पूछा तुम्हारे दोस्त को चप्पल वाली दिखी कि नहीं। मेरे मुंह से निकल गया दिखी तो नहीं, लेकिन उसके ख्वाब में जरूर आती है। इसीलिए तुझे बताया था भाई? मुंह से निकल गया मेरे, उसके बारे में तो तुम्हें बताया था। मैंने बताया था? हाँ, उस दिन जिस दिन वो आर्मी वाले खालाजाद भाई के बारे में बता रही थी। मेरे खालासाद भाई आर्मी में थे। क्या खूबसूरत और क्या स्मार्ट थे। मैं 10 बरस की थी पर उन पर इतना मरती थी कि जब वो कहते नौकर से कहना मेरे जूतों पर पॉलिश कर दे, मैं नौकर के बजाय खुद उनके जूते पॉलिश करके ले आती। अब बिलीव नहीं करते? मैं बिल्कुल करता हूँ। आदमी जिसे चाहता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ भाई, तो कहेगा ही। ठीक है, मुझे कहते शर्म नहीं आती। एक लड़की थी जिसकी चप्पल टूट गई थी और मैंने गड़वा कर उसके रास्ते में रख दी। Really? How romantic. कौन थी वो लड़की? पता नहीं कौन थी, पर थी। और मैंने ऐसा किया। अरे भाई, जब तूने बता दिया तो मैंने क्या बुरा किया? वो आजकल की लड़की है, फेयर एंड स्ट्रेट। अगर कल तुझसे इश्क भी करेगी तो इस बात का बुरा नहीं मानेगी कि तुमने उस लड़की की चप्पल कैसे उठाई, कैसे गड़ाई और फिर कैसे रास्ते में रख दी। देखिए, आपका केस एकदम फुल प्रूफ है। हमने मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार किया है। डॉक्टरी मायने की रिपोर्ट है कि बलात्कार हुआ है। आपके पास उसका चश्मदीद गवाह भी है, शिल्पा।
बस लड़की से एक चूक हो गई है। वो क्या? अगर मुजिम उसको धमकियां देता रहा है तो उसे एक सादे कागज पर एक कंप्लेंट लिखकर हमें दे देनी थी कि धमकियां दी जा रही है, क्योंकि ऐसी चिट्ठी बाद में सबूत का काम देती। लेकिन हमने उस लड़की के प्रिंसिपल से शिकायत की थी और प्रिंसिपल ने उसके खिलाफ नोटिस भी इशू किया था, उसकी कॉपी हमारे पास। वेरी गुड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऐसे ही सबूत चाहिए थे। वो सोमवार को 10 बजे आपसे मिलेंगे, ये आप उन्हें दिखा देना। जी जी। आपको और कुछ चाहिए हमसे? कुछ और चाहिए होगा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको बता देंगे। बस मिस सविता अपने कंप्लेंट वापस ला, क्योंकि ऐसे केसेस में अक्सर कंप्लेंट वापस ले ली जाती है। और मिस शिल्पा गवाही दे दें? नहीं नहीं, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो लड़की जरूर गवाही देगी, क्योंकि हमारी पूरी यूनियन उसके साथ है। हमने उसे लाने के लिए किसी को भेजा हुआ है, वो भी आते हैं। एक्चुअली गवाही क्यों नहीं देगी? क्या हुआ? मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। क्यों? पिताजी ने मना कर दिया है। पिताजी ने? उन्हें क्या ऐतराज हो सकता है? कहा कोर्ट जाएगी तो जान से मार दूंगा, कॉलेज नहीं जाने दूंगा। ऊपर से कोई दबाव आया है? पता नहीं, कह रहे थे कि ऐसी लड़की के साथ तू गई क्यों, और पुलिस को बताने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, तुम्हारी फ्रेंड को उठा कर ले गए, गुंडागर्दी की, उसे रेप कर दिया और तुम कुछ नहीं करती? क्यों, किस लिए? बस मैं कुछ नहीं करूंगी। और पुलिस को जो बयान दिया है वो? पिताजी उसे जाके मना कर आएंगे। और तू भी मना कर देगी? पता है ऐसे लड़कों की हिम्मत कैसे होती है? तुझ जैसी लड़कियों की वजह से। चाय बाद में पी जाएगी, पहले गवाही पी जाएगी। तू कहीं नहीं जाएगी, बैठ, तू गवाही देगी। तू हाँ कहे, क्या है तू? है क्या? लड़की है या मिमियाने वाली बकरी है? पत्ते खाई हूं, जब पकड़वाया है तो गवाही क्यों नहीं देगी? तू हमारा केस कमजोर करवाएगी, जानती है ना, ये हमारा केस है। तेरा कॉलेज में आना बंद हो जाएगा, तेरा मुंह काला करके कॉलेज में घुमाया जाएगा। गवाही देगी या नहीं? गवाही देगी या नहीं? मेरे पिताजी मेरा घर से निकलना बंद कर देंगे, मुझे जान से मार डालेंगे वो। अब इस चिट्ठी के बाद क्या होगा? शिल्पा इस रेप केस की अकेली चश्मदीद गवाह थी। उसके बयान वापस लेने से और अदालत में गवाही न देने के फैसले से अदालत में हमारा केस कमजोर हो गया है। लेकिन रेप तो हुआ है, गणेशन को पुलिस ने पकड़ा है। अदालत पुलिस के पकड़ने पर नहीं चाहती, उसे चाहिए सबूत और गवाह। लेकिन और भी तो फैक्ट्स हैं। प्रिंसिपल साहब ने गणेशन को जो वार्निंग लेटर दिया था, वो लेटर है हमारे पास। आप प्रिंसिपल साहब को क्यों नहीं बुलाते? उन्हें तो मैं बुलाऊंगा ही, मगर इस रेप का चश्मदीद गवाह? हर रेप केस में गवाह तो नहीं होते, इसीलिए अदालत में वो साबित नहीं होते। Our case has become weak. प्रोसिक्यूटर साहब, जी, मैं गवाही दूंगी। क्या? मैं दूंगी गवाही। मगर आप वहां थी कहां? जानते तुम क्या बोल रहे हो? अभी नहीं, सर सर, ये तुम्हारे मॉडल में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मैं गवाही दूंगी। लड़की हूँ मैं, तुम लड़के हो, तुम्हें कुछ नहीं होता, मुझे पता है। प्रोसिक्यूटर साहब, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, मुझे गवाह बना लीजिए।
अगर सच्चा गवाह साथ नहीं देगा तो झूठा गवाह साथ देगा, मैं दूंगी। लेकिन इसके लिए मुझे रिकॉर्ड्स बदलने होंगे। बदल लीजिए, आप जानते हैं उसने रेप किया है, उसे सजा दिलवाना हम स्टूडेंट्स का और कानून का मामला है, और केसेस में भी झूठे गवाहों से गवाही दिलवाई जाएगी। मुझे इस पर सोचना होगा, अपने डिपार्टमेंट से बात करनी होगी। प्लीज बात कर लीजिए। मगर एक बात आप समझ लीजिए कि डिफेंस ने एक बहुत बड़े वकील को खड़ा किया। कौन है वो? मिस्टर मित्तल। कौन से मित्तल? मित्तल एंड सब्सवरी सॉलिसिटर्स के एडवोकेट राम नारायण मित्तल। पानी चाहिए, मेरे हलक में कांटे खड़े हैं, मैं चिल्ला नहीं खींच सकती। खींच लेंगी आपने रोजे रखे हैं। तभी मैं मेरे साथ तभी ऐसी गर्मी में नहीं रख पाती थी, तोड़ देती थी। अभी मां ने मेरे साथ नहीं है। पानी पानी ईमान छोड़ो मुझे, अल्लाह की मां ने क्या कर रही है? अब अल्लाह भी मेरे साथ नहीं। मैंने ईमान के लिए नहीं अपने मतलब के लिए रोजे रखे हैं, मुझे पानी दो। कुछ घंटों की बात है, दोपहर ढली नहीं तो शाम हो जाएगी, फिर पी लेना। मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, कोई मेरी अंतड़ियां मर उठ रहा है। मैं बहुत तरकी देती हूँ, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो। नहीं रखना चिल्ला। नहीं ठीक है, आपको चिल्ला तोड़ना है तो खुद से तोड़िए, मैं रख देती हूँ। याद कीजिए मौलवी साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा था आपको ये दिन इसलिए देखने पड़े क्योंकि आपने रोजे पूरे नहीं रखे, और अब चिल्ला तोड़ रही हैं। मेरे सारे किए भरे पर पानी फेर रही हैं आप। मैं क्या फेर रही हूँ? क्यों मैं फेर रही हूँ? मैंने टोटका किया तो उसके बच्चा न ठहरा, काजी आकर बैठा रहा, दूसरी बार तलाक न दे सके, उनकी आपा मर गई। मैंने जादू की गुड़िया लटकाई है, आपके तावीज बांधा है ताकि राजा साहब का दिल आपकी तरफ फिर जाए, और आप ईमान से फिर रही हैं। इसमें कहाँ है ईमान की बात? है, खुदा का नाम लेकर जो किया जाए वो ईमान है। लोग गर्मी में रोजे नहीं रखते, मैं रोजे रखकर आपके पास खड़ी नहीं होती, कुछ नहीं होता है। गुसल खाने में चलकर नहा लीजिए, बाल भिगो लीजिए, मुंह पर पानी की छींटे मार लीजिए, बदन पानी सोख लेगा तो प्यास नहीं लगेगी। करबला वालों को याद कीजिए, इमाम हसन और इमाम हुसैन रेगिस्तान में भूखे प्यासे लड़े। आप इसलिए चिल्ला खींच रही हैं ताकि उसके बच्चा ना हो और आपका तलाक पूरा ना हो सके। अगर हो गया तो कहाँ जाएंगी? कहिए तो मैं भी चिल्ला रखूं, मैं भी आपके साथ भूखी प्यासी रहूं। मैं हाथों पैरों में मेहंदी का लेप लगा दिया करूंगी, खीरे का लेप लगा दूंगी, ठंडक बनी रहेगी, तरी रहेगी। मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? मरे आपके दुश्मन, कब्र में जाए मुंशी और उसकी बेटी, आप जिएंगी, इसी महल में रानी बनकर रहेंगी। ये मैं नहीं, खुदा पर मेरा ईमान बोल रहा है। अगर बहुत प्यास तड़पा रही है तो गुसल खाने में चलिए, ठंडा पानी रखा है, सर पे डाल दूंगी, ठंडक पड़ जाएगी। मौला को याद करिए, वही ताकत देगा। अमिता, तू कॉलेज से अब आ रही है? सुन, आज तुझे बग्घी लेने गई थी कॉलेज, तू कॉलेज में नहीं थी? यूनियन के ऑफिस में गई थी। अमिता, तू कॉलेज पढ़ने जाती है या यूनियन का काम करने जाती है? दोनों। क्या कहा तुमने? अगर जोर से बोलूंगी तो कहोगी बहरी नहीं हूँ, चिल्ला क्यों रही हूँ? कुछ कहना है अमिता? रोज देर रात गए आने को तूने अपना चलन बना लिया? बस कुछ ही दिन मां। तू मेरी जान क्यों निकालना चाहती है? मैं आपकी जान निकाल रही? हाँ, ये देख।
लोग दिन दिहाड़े लड़कियों को उठा कर ले जाते हैं, मुंह काला करते हैं उनके साथ। तुम नहीं आती मेरी जान सूखी रहती है। देर से इसीलिए आती हूँ। तू रात भी रात आए और तुझे भी कोई उठा कर ले जाए। तीन बार पूछ चुके हैं वो भी। कौन पूछ चुके हैं? पिताजी ऊपर कमरे में बैठे हैं, तुझे बुला रहे हैं। अच्छा, बुला रहे हैं।